नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपके घर में काला जादू करवा रखा है या कुछ करवा रखा है? आपके घर में धन नहीं रुकता, आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहता है, आपके कोई काम नहीं बनते हैं, जीवन में बहुत तनाव है, बहुत डिप्रेशन है, हमारा मन किसी काम में नहीं लगता, जो व्यापार हम शुरू करते हैं वो व्यापार नहीं चलता है, हमें बहुत सी योग्यता है लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं होती, घर में पति पत्नी के बीच विवाद होता है, बच्चों के बीच नहीं बनती, पिता और पुत्र की नहीं बनती है, भाई और इनसे बहुत बड़ा विवाद है, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, और मानो हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने घेर लिया है। हमारी सिचुएशनों में हम बहुत ज़्यादा हद तक घिर चुके हैं और कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, मानो किसी ने हमारा घर बांध दिया, हमारी बुद्धि बांध दी या किसी ने कुछ करवा रखा है। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। या आपका कोई दोस्त, मित्र, भाई, बहन, कोई रिश्तेदार इस तरह की सिचुएशनों में जूझ रहा है तो भी आप इन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या मैं जो बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ उन्हें ये सजेशन आप दे सकते हैं। ये वीडियो आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आपको जो मैं बातें इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ इन्हें पूरा इस वीडियो को देखें ताकि आप अपनी मदद कर पाएँ और इस पूरी सिचुएशन से हमेशा के लिए बाहर निकल पाएँ। तो ऐसे चमत्कारिक तरीके, ऐसे चीज़ें जो इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो ये आपकी पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। तो अगर कोई प्रश्न आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रहा है, जो जीवन में कई सारी इशू क्रिएट आपके साथ हो रहे हैं, तो एक बार ज़रूर आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और फिर बात करें, शायद आपकी समस्या का एक सकारात्मक समाधान आपको यहाँ पर ज़रूर मिले। सबसे पहले जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, हमें संकेत समझना है कौन लोग हैं और क्या हल है, इन तीनों विषयों पर हम बैक टू बैक बात करेंगे। जब कभी भी हमारे घर में कोई हमेशा बीमार बना रहता है, जब कभी भी हम घर में आते हैं तो एकदम से चीज़ें सडन ख़राब, हम बाहर अच्छे रहते हैं या शहर से गांव से जब बाहर जाते हैं तो हम अच्छे से रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरा है कि व्यापारिक दृष्टिकोण पर भी इसी तरह की सिचुएशनें होती है, तो इसके पीछे जो मूल वजह है वो तीन ही वजह है। सबसे पहला वजह है आपके साथ नेगेटिविटी, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आपने अपने दिमाग में वो बात को घर बना लिया है कि किसी ने कुछ करवा रखा है और आपने इस बात को मान लिया है कि मेरे साथ कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी, और जब आप ये चीज़ मान लोगे तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो इसका हल यहीं पर है कि आप इस माइंडसेट को थोड़ा सा बाहर निकालें, जो आपने मन में इस तरह की बात बना ली है कि मैं बस घर में जाऊंगा या मैं करूंगा तो बुरा होगा, ख़राब होगा, अच्छा कुछ होगा ही नहीं, तो ये जो माइंड टोन है इसे आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप खुद ही उस नकारात्मकता को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देगी। दूसरा एक रीज़न इसके पीछे मूल तवज है, जो आपके आसपास के लोग जो आपके मन में ये भ्रम भर देते हैं कि उस मेरे किसी के किसी परिजन के साथ ऐसा हुआ या मेरे साथ, उनके जो अनुभव है वो भी आपके साथ साझा कर देते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, तो हम और डर जाते हैं कि किसी ने वाकई में कुछ करवा दिया है और अब हम कैसे निकलेंगे, और हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव और डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसी कोई भी, क्योंकि जो किसी इंसान के साथ हुआ है वो आपके साथ रिपीट नहीं होगा, हर एक व्यक्ति का लाइफ मोमेंट अलग है, हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग है, हर एक व्यक्ति के सोचने और समझने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति का एजुकेशन स्टेटस अलग अलग है, तो हमें कभी भी उनकी बातों को उनकी तुलना से खुद के ऊपर खुद को उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर आप खुद को वहाँ जोड़कर देखेंगे तो परेशानियाँ बढ़ेगी, कम होने का नाम नहीं लेगा, जो उनके साथ हो आपके साथ नहीं होगा, और वो डर भी मन में बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरा रीज़न जो महत्वपूर्ण ज़्यादातर लोगों के पीछे है कि वो बहुत से ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं, हर चीज़ों को इस तरह से जज करते हैं कि अपने अड़ोसी पड़ोसी या जो जलने वाले लोग हैं उन पर इतना उनको मन में होता है कि हाँ इन्हीं ने कुछ करवाया होगा, इन्होंने कुछ करवाया होगा, उन्होंने कुछ करवाया होगा। दरअसल कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं कर सकता है, उसके पीछे मूलतः एक रीज़न ये है कि किसी भी व्यक्ति के हाथों में कुछ भी वश में नहीं है। हाँ, वो आपको डरा सकता है, वो आपको तरह तरह की बातें बता सकता है, तरह तरह की चीज़ें आपके साथ करके इस तरह के एक
चीज़ें करके आपको मन में वहम भर सकता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। और वो वहम एक बार अगर जनरेट हो गया, वो नेगेटिविटी अगर एक बार जनरेट हमारे मन में हो गई, हमारे अड़ोसी से लेकर, पड़ोसी को लेकर, आमने वाले सामने वाले, रिश्तेदार परिजन, तो वो वहम बहुत प्रगाढ़ होते जाएगा और चीज़ें भी हमें वैसे ही दिखाई देगी, क्योंकि हमने मन में वो वहम को पाल लिया है। जैसे उदाहरण के लिए, कई सारे लोग नींबू मिर्ची घर के सामने फेंक देते हैं, उसमें कुकू लगा कर फेंक देते हैं, हल्दी लगा कर घर के सामने, ये सब चीज़ें मन में वहम पैदा करने के लिए। तो इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और इससे आपको कुछ होने वाली आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें जो प्रैक्टिकल बातें हैं जो आज के युग में आपके साथ, जो जातकों के साथ होती है, वो मैंने उस पर चर्चा करी। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि इन बातों को समझने के बाद भी आप खुद को नहीं समझा पा रहे कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं करवा के रखा है, तो अब आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको करना है, गहरी और लंबी सांस लेकर 1 घंटे का मौन की यात्रा आपको करनी चाहिए। मौन यात्रा से मतलब है किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, गहरी और लंबी सांसें लें और मौन रहें और ओम नमः शिवाय का मन जाप करें। नियमित 1 घंटे रेगुलर करना है, एक भी दिन उसमें छूटना नहीं चाहिए। नियमित 30 दिनों तक इस प्रैक्टिकल को आपको अपनाना है, क्योंकि 30 दिनों बाद आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा है, नियमित सुबह और शाम 2 वक्त आपको गीता तो पढ़ना ही होगा। पहला अध्याय सुबह को पढ़े, दूसरा शाम को, फिर अगले दिन तीसरा, फिर चौथा, तो ऐसे करके नियमित 18 अध्याय कंटिन्यू 30 दिनों तक हमें पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप पुरुष हैं तो सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य के सामने भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर पूर्णिमा का जो चल रहा हो दौर, तो पूर्णिमा के समय चांद के सामने भी खड़े होकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य के सामने भी और चंद्र के सामने भी। अमावस्या का दौर है तो ठीक है, हम उसमें फिर पूर्णिमा का इंतज़ार करें, फिर हम करें, लेकिन दिन में हम सूर्य के सामने खड़े होकर बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित आपको करना है। चौथा और महत्वपूर्ण बात है कि आप उन नेगेटिव लोगों से खुद को दूर कर लें, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं, उन लोगों से दूरी बना करके। किसी भी तांत्रिक या कोई व्यक्ति ऐसा करवाने वाला है, ये करवाने वाला हो, इन सभी के आप जालसाजी में ना फंसें, इन सभी चीज़ों से थोड़ा दूरी खुद को बना कर रखें। क्योंकि अगर जो चीज़ शिव नहीं कर सकते, हमारे ईश्वर नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे कर्म की गति वो हमें फिर भोगना पड़ेगा। ये बात स्वीकार लें, उसे भोगें और ओम नमः शिवाय का जाप लें और पॉजिटिव खुद को रखें। धीरे धीरे सिचुएशनें और बेहतर होगी और अच्छी होगी और आप धीरे धीरे उनसे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन किसी भी इस तरह की चीज़ों में आप ना फंसे, किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ों में ना जाएं, वो आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती है। मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन आपसे कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखना। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर एक बार बात करें, उसका फीस लागू है। ओम नमः शिवाय।